कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आज सिद्धारमैया सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस ने 20 विपक्षी दलों के नेताओं को न्योता भेजा है, लेकिन कई दलों के नेताओं से दूरी भी बना ली है। इनमें अरविंद केजरीवाल और नवीन पटनायक जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्हें 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के साथ लाने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। अब कांग्रेस के फैसले से एक बार फिर पीएम मोदी के खिलाफ बनने वाले विपक्षी मोर्चे की कवायद फूस होती दिख रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। पार्टी को जबरदस्त बहुमत हासिल हुआ। इस जीत के बाद कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज है। अब सरकार बनाने की तैयारी हो रही है। सिद्धारमैया सीएम के रूप में शपथ लेने वाले हैं और डीके शिवकुमार उनके नायब बनने वाले हैं। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह को कांग्रेस भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। समारोह को 2024 की विपक्षी दलों की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। समारोह में कांग्रेस ने करीब 20 विपक्षी दलों को न्योता भेजा है। 20 दलों के नेताओं को एक मंच पर लाकर कांग्रेस 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की फिराक में है, लेकिन उसकी इस कोशिश में पलीता लगता दिख रहा है। विपक्षी एकता का सपना हवा होता दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने कई दलों को इस समारोह से दूर भी रखा है। इनमें केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, नवीन पटनायक की बीजेडी, केसीआर की बीआरएस और देवेगौड़ा की जेडीएस शामिल है। कांग्रेस जिन दलों से दूरी बनाती दिख रही है, उनमें वो दल भी हैं जिन्हें 2024 की जंग में कांग्रेस के साथ खड़ा करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वो चाहे ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक हों या फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दोनों नेताओं से नीतीश ने हाल फिलहाल मुलाकात की थी और उन्हें मोदी विरोधी फ्रंट का हिस्सा बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन कांग्रेस ने इन दोनों को कर्नाटक न बुलाकर नीतीश की कोशिशों पर पानी फेर दिया है। अब ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक खुद कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट बनने की तो कोई संभावना ही नहीं है। बीजेपी एज वेल एज दी कांग्रेस, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अ थर्ड फ्रंट? आई वांटेड टू चेक विद यू। नो, नॉट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, नॉट नाउ। यानी 2024 की जंग में पीएम मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता की मुहिम का सपना सजो रहे थे, उसे ग्रहण लगता दिख रहा है और विपक्षी एकता का बुलबुला फिर से फूटता नजर आ रहा है। कांग्रेस की रणनीति रही है कि जिस तरह से वो उन्होंने कोशिश की थी विपक्षी एकता बनाने की, नीतीश कुमार भी इसमें आए थे, केसीआर भी आए थे, लेकिन कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि नवीन पटनायक वो वहां पर मिलने, जब मुलाकात हुई नीतीश कुमार की उसके बाद वो प्रधानमंत्री से भी मिले, केसीआर को भी उन्होंने नहीं बुलाया है, आम आदमी पार्टी को भी नहीं बुलाया है, तो इस संपूर्ण विपक्ष जो एकजुट होने की बात थी उस मुहिम को तो झटका लगा हुआ है। कर्नाटक में जीत के बाद अब कुल 4 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, जबकि 3 राज्यों में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। जाहिर है सियासी तौर पर मजबूत हुई कांग्रेस थर्ड फ्रंट से बचना चाह रही है और अपनी अगुवाई में 2024 की जंग लड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ना चाह रही है। कांग्रेस के इसी रूख से नीतीश की विपक्षी एकता की राह मुश्किल होती दिख रही है। और ये विपक्षी एकता का एक मंच हो सकता है, लेकिन पिछले बार 2018 में भी जब सरकार बनी थी, चुनाव हुए थे कर्नाटक में, तो विपक्षी एकता की कोशिश हुई थी, लेकिन वो भी टूट गया था। तो इस बार भी लगता नहीं कि विपक्षी एकता बनेगी यहाँ पर। मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता इसलिए भी मुश्किल दिख रही है क्योंकि तेलंगाना के सीएम केसीआर खुद बिना बीजेपी और बिना कांग्रेस वाला थर्ड फ्रंट बनाने की जुगत में है, जिसकी झलक उन्होंने फरवरी में तब दिखा दी थी जब अपनी रैली में उन्होंने केजरीवाल, पिनराई विजयन, अखिलेश यादव और डी राजा जैसे नेताओं की गोलबंदी कर डाली थी। कांग्रेस की अपनी सियासी मजबूरियां और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता के सपने की हवा निकालती नजर आ रही हैं। आगामी चुनावों को लेकर